So hey there, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the Go. Hope you guys are doing absolutely fine. First of all, I'm very sorry क्योंकि last 2-3 दिन में video नहीं आया because I'm busy in some work और वो work आपको दिखेगा next vlog में या उसके बाद का vlog में कि कुछ planning कर रहा हूँ मैं. So आज इस video में मैं करूँगा एक unboxing, एक helmet का unboxing. Recently मैंने एक नया helmet purchase किया है. बहुत ही budget helmet है. आपका budget अगर under 2000 rupees है तो आप इस helmet को consider कर सकते हो. और इसके साथ मैंने बहुत सारे ऑप्शंस भी मैंने देखा है हेलमेट में. इस ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया उन सभी के अंदर. और उन सभी हेलमेट में क्या कॉन्स क्या प्रोज मुझे लगा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो ये रहा हेलमेट का बॉक्स पैक. सो ऑलरेडी अनबॉक्सड है क्योंकि हेलमेट खरीदते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका जो सिर है उस सिर पे हेलमेट प्रॉपरली फिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि प्रॉपर फिट इज़ मैंडेटरी फॉर हेलमेट. हेलमेट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो चीक है वो प्रेस्ड रहे ऐसे, और हेलमेट आपके जो सर है वहाँ पर एकदम टाइटली फिट रहे इनकेस ऑफ एनी एक्सीडेंट हेलमेट आपके सर से निकल ना जाए. लूज हेलमेट इज नॉट रिकमेंडेड, ऑलवेज यूज अ टाइट हेलमेट. सो मैंने खरीदा है स्टार्ट थंडर क्योंकि वहाँ पर मैंने सोच रहा था कि एक बजट के अंदर हेलमेट खरीदूँ. मेरा बजट था अंडर 2000 रुपीज़. अगर आपका बजट अंडर 2000 रुपीज़ है तो उसका उसमें आपको दो हेलमेट बहुत ही पॉपुलर हेलमेट आपको मिलेगा. एक होगा वेगा का जो बोल्ट बनी कहकर एक हेलमेट आता है, और दूसरा है ये स्टड्स थंडर. सो दोनों हेलमेट ही अच्छा है, दोनों का सेल अच्छा है. वेगा बोल्ट बनी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है और गुड लुकिंग है, बट सामहाउ मुझे ये स्टड्स शिफ्टर ज़्यादा पसंद आ गया. और ये D8 मॉडल है. D8 डेकोड का जो जो मॉडल है वो मॉडल है. बहुत ही ग्लॉसी है और बहुत ही अच्छा कलर स्कीम के साथ होता है, इसलिए बहुत ही आई कैची भी है. प्लस इसका पैडिंग भी अच्छा है. और एज यू ऑल नो स्टार्ट इज इंडियन कंपनी, ISI मार्क के साथ आता है. सो चलिए सबसे पहले हेलमेट को देख लेते हैं. सो इसके इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था स्टार्ट शिफ्टर, जो कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियो. मेरे सभी वीडियो में मैं वही हेलमेट पहन के वीडियो करता था. सो स्टार्ट शिफ्टर पे डेडिकेटेड एक बैग आता था हेलमेट के साथ, बट इस हेलमेट के साथ किसी भी तरह का बैग नहीं आया है. ये जस्ट एक ऐसा कवर में है. सो हेलमेट को अनरॉप करते हैं. या सो ये रहा हेलमेट. सो इसका एक टोटल 360 जो लुक है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा. सो आप देख सकते हो ये है D8 डेकोर का ऐसा कलर. इसमें आपको ब्लैक पिंक ऑरेंज ये और ये छोटा छोटा ग्रीन का स्ट्रिप मिलता है. सो मुझे ये हेलमेट बहुत ही गुड लुकिंग लगा. सो इसलिए मैंने ये हेलमेट परचेस किया. और इसके फ्रंट में आपको ये ब्लू का इफेक्ट मिलता है. सो ये रहा हेलमेट विथ टिंटेड वाइजर. सो मुझे मेनली क्लियर वाइजर पसंद है क्योंकि जब राइड करता हूँ मैं नाइट हो जाता है तब क्लियर वाइजर बहुत ही काम आता है, बट ये टिंटेड वाइजर से आप नाइट राइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इसका जो क्लियर वाइजर भी अवेलेबल है बट फॉर ओनली 300 या 250 रुपीज़ ऐसा कोई प्राइस होगा. सो मैं कुछ दिन में चेंज भी कर लूँगा. अभी नया हेलमेट है इसलिए ऐसा ही रहने देते हैं. सो चलिए सबसे पहले हेलमेट का एक 360 डिग्री ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद इसे पहन के मैं दिखाऊंगा कैसा लगता है हेलमेट. एज यू कैन सी सो ये रहा हेलमेट का फ्रंट लुक, और ये रहा इसका साइड लुक. एज यू कैन सी थंडर रिटन ओवर हियर. और ये रहा इसका ग्राफिक्स, फुली ग्लॉसी जो पेंट स्कीम है ग्लॉसी पेंट स्कीम में ये आता है. सो इसके साथ ये स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइजर आता है जो कि टिंटेड है. और स्टार्ट्स का वाइजर अच्छा होता है क्योंकि मैं शिफ्टर यूज़ कर रहा था इतने दिन तक. उसका जो मैंने अभी तक ये हेलमेट यूज़ कर रहा था मैं 3 साल हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक हाँ 3 साल हो गया हेलमेट यूज़ करते हुए मुझे. और उसका जो वाइजर है वहाँ पर उतना ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आया है. थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है बट वो मेरा गलती है, मेरे ही गलती की वजह से वो स्क्रैचेस पड़ा गया था. बट ये जो स्टार्स का जो फ्रंट जो वाइजर होता है वो बहुत ही स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है. सो अभी देख लेते हैं इसका जो वेंटिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो हेलमेट के फ्रंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेंटिलेशन है. ये ऐसे आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ऐसे इसे आप
खोल सकते हैं, बट इस ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं जो नॉर्मली जो हेलमेट होता है वो शिफ्टर होता है, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ, और अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये जो वाइजर है ये टू स्टेप एडजस्टेबल है। पहले इट इज स्टेप वन एंड दिस इज फुल ओपन स्टेप टू एज यू कैन सी। और यहाँ पर आपको कुछ एयर वेंट्स देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से एयर घुसता है, जब आप बाइक चलाओगे तब यहाँ से एयर घुसेगा और यहाँ से निकलेगा, निकल के अंदर जाएगा। और ये जो हेलमेट का जो वाइजर है ये डिफॉगर का भी काम करता है। जब ये बंद रहेगा सो विंटर में या रेनी सीजन में यहाँ पर डिफॉग हो जाता है, फॉग जम जाता है। सो ये कैसे हेल्प करेगा कि यहाँ से एयर अंदर जाएगा और यहाँ से एयर निकल के ये जो शील्ड है ये डिफॉग हो जाएगा। सो ये एक अच्छा फीचर है। मेरा जो शिफ्टर है वहाँ पर आपको यहाँ पर एक नोज फ्लैप टाइप चीज़ मिलता है, और इसमें एक एडेड चीज़ है कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीका का पैडिंग मिलता है, उसके साथ यहाँ पर चिन प्रोटेक्टर भी मिलता है, जो चिन कार्टन भी मिलता है। सो मैं आपको एक डिटेल आपको एक क्लोजर लुक दे देता हूँ पहले। ओके, सो एज यू कैन सी ऐसा है इसका पैडिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ पैडिंग है, और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ऐसा बकल मिलता है फॉर क्विक रिलीज, जो स्ट्रैप है वहाँ पर ऐसे बाकल मिलता है, जो नॉर्मल स्टड्स के हेलमेट में आपको देखने को मिलता है। कोई डी रिंग नहीं मिलता है, डबल डी रिंग जो आपको एक्सोर या एसएमके का जो हेलमेट है वहाँ पर, जो प्रीमियम क्वालिटी के हेलमेट में जो मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ये रहा अंदर का जो पैडिंग है वो रहा। सो ये एल साइज का हेलमेट है एंड परफेक्ट प्रॉपर फिट है मेरे हेड के लिए। और ये जो हेलमेट का जो पैडिंग है ये रिमूवेबल है, कंप्लीट रिमूवेबल पैडिंग। तो इसे आप रिमूव करके आप वॉश कर सकते हैं, जैसे मैं स्टार शिफ्टर पे करता था। वॉश करना पड़ता है क्योंकि अगर बहुत गर्मी में आप चला रहे हो, आपका सिर जो स्वेट होता है वो स्वेट से ये गंदा हो जाता है। सो इसे रिमूव करके वॉश करना पड़ता है। सो वॉशेबल लाइनर्स आर बेस्ट। सो अभी परंपरा निभाते हैं जो सभी करते हैं, ये जो फ्रंट का जो फिल्म है इसे अब निकालते हैं आप। सो अभी लग रहा है ये प्रॉपरली एक प्रीमियम हेलमेट जैसा। सो मैं ये हेलमेट का ये जो चीन पोर्शन है, ये चीन पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है फ्रॉम माय स्टार्ट शिफ्टर। और यहाँ पे भी इस हेलमेट के हेल्प से भी मैं मोटो व्लॉग करूँगा। सो कैसे करूँगा उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद के वीडियो में आएगा। सो अभी ये हेलमेट अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी ऐसा होता है हेलमेट का फिट। सो आप जब हेलमेट खरीदोगे मेक श्योर दैट ये जो चीक पोर्शन है ये टाइट रहे और ये हेड पोर्शन भी टाइट रहे, कि आप जब सिर हिलाओ तो हेलमेट ना हिले। ये मस्ट है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। और एज यू कैन सी मेरा चीक जो है वो टाइट है, आप देख ही सकते हो। और ये जो चीज़ है ये आपको पहले दो चार दिन अनकम्फर्टेबल लग सकता है, बट ये कुछ दिनों में ये ब्रेकिंग हो जाएगा और ये आपका जो सिर का जो शेप है उससे ये मैच अप हो जाएगा। सो इसके बाद आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं लगेगा। और स्टड शिफ्टर से एक चीज़ मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसका जो चीन पोर्शन है बहुत ही बड़ा है। एज यू कैन सी स्टड शिफ्टर का थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है, जो एडेड कॉन्फिडेंस ऐड करते हैं। उसके साथ ये हेलमेट फ्रंट से जो लुक है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, एक बड़ा हेलमेट का फील देता है। 1800 रुपीज़ में ये आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट यू कैन बाई। और इसे आप पहन के देखना पड़ेगा, बाइक चला के राइड करके देखना पड़ेगा कि ये हेलमेट का बेंड से ये कैसे वर्क करता है या ये हेलमेट कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट द बेस्ट थिंग इज़ शिफ्टर से इसका वेट बहुत ही कम है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी ये 1300 ग्राम्स का है और शिफ्टर मोस्ट प्रॉब्ली 1500 ग्राम्स का था। और मेरा हेलमेट पुराना हो रहा था इसीलिए उसका जो पैडिंग है वो थोड़ा फ्लिमजी हो गया था। सो हेलमेट का जो वेट है वो यहाँ पर गिर रहा था। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो मैं मिस कर गया। सो यहाँ पर हेड के ये जो सिर का पार्ट है हेलमेट का, वहाँ पर आपको दो
एयर वेंट्स मिलता है। सो ये एयर इनटेक वेंट्स है, या ये आप जब ओपन कर दोगे तो यहाँ से एयर अंदर जाएगा, यहाँ से एयर अंदर जाएगा। और ये है एग्जॉस्ट वेंट्स, पीछे आप देख सकते हो, या सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों एग्जॉस्ट वेंट है। और एज यू कैन सी इट्स ए स्टड्स इन द बैक एंड ISI मार्क, ISI सर्टिफाइड हेलमेट। सो इंडिया के लिए ISI सर्टिफाइड इज सफिशियंट, और अगर आपको डॉट या ECE सर्टिफिकेशन मिल जाए तो एडेड प्रोटेक्शन। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हेलमेट मैंने अपने पैसों से खरीदा है। सो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर ही सकता हूँ, और कंपैरिजन का बात अगर करूँ तो वेगाबानी बहुत ही अच्छा हेलमेट है। का जो लुक और डिज़ाइन है बहुत ही प्रीमियम है, उसको आपको रियर स्पॉइलर मिलता है। दो तीन चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा उस हेलमेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पैडिंग क्वालिटी, मुझे लग रहा था कि उसका पैडिंग क्वालिटी स्टड्स से अच्छा नहीं है, स्टड्स का पैडिंग क्वालिटी बेटर है। सेकेंड है इसका जो ये जो बकल, ये बकल का क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बकल का क्वालिटी थोड़ा चीप काइंड ऑफ है। और थर्ड है ये चिन कार्टन बहुत ही छोटा है उसका। और थर्ड थिंग इज़ ये जो वाइज़र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी मैं वाइज़र को फुल ओपन नहीं करके थोड़ा सा हाफ ओपन करके बाइक चलाता हूँ, सो दैट अंदर हवा आए प्लस आई भी प्रोटेक्टेड रहे। बट ये टू स्टेप एडजस्टेबल है, एज यू कैन सी ये वन स्टेप और ये टू स्टेप एडजस्टेबल है। बट वो जो वेगा का जो बनी हेलमेट है, वो उस हेलमेट में कोई भी एडजस्टेबल वाइजर नहीं है, पूरा एकदम ओपन होता है, एकदम क्लोज होता है। सो वो तीन चार चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। प्लस ये जो हेलमेट है वहाँ पे बहुत सारा प्रीमियम हेलमेट भी था, एक्सोर का हेलमेट था, LS2 का हेलमेट था, SMK का हेलमेट था, वो सब प्रीमियम रेंज का हेलमेट था, लाइक 4990 या 4700। एक्सोर का एक रेज मॉडल था जो था कि 3500 का। बट वो सब हेलमेट का जो ग्राफिक्स होता है बहुत ही अच्छा होता है, प्रीमियम होता है, स्टैंड आउट करता है हेलमेट बाकी सारे हेलमेट्स के अंदर। सो उन सभी हेलमेट्स के अंदर ये भी बहुत ही स्टैंड आउट कर रहा था इसका ग्राफिक्स के वजह से। सो मुझे ये हेलमेट पसंद आ गया, ये मैंने उठा लिया। मुझे पड़ा है ये हेलमेट डिस्काउंट दे के 1830 रुपीज़, बट ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से उठाया है। और हेलमेट लोकल मार्केट से उठाना ही प्रेफरेबल है, क्योंकि आपको सीट पे पहन के आपको देख लेना चाहिए हेलमेट फिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसका बहुत सारा साइज़ होता है, एल साइज़ होता है, XL साइज़ होता है, M साइज़ होता है, जो भी आपको आपके सीट में कम्फर्टेबली फिट होगा वो हेलमेट ही आपको लेना चाहिए। सो ये रहा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग ऑफ माई न्यू हेलमेट। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि हेलमेट कैसा लगा। अगर आपको खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। अगर आप खरीदने के पहले आपको चेक करना है तो इसका जो प्रोडक्ट लिंक है, जो स्टड्स कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अभी इसे पहन के बाहर जाते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं कि ये हेलमेट कैसा लग रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो चलिए आपको बाहर जाके मिलता हूँ मैं। ओके।